history of color therapy. So color therapy became more widely used during 20th century. तो 20वीं सदी से ज्यादा फेमस हुआ है. उसके पहले भी लाइक सालों से बहुत वो बोलते हैं 30,000 सालों के पहले से भी कलर यूज हो रहा है. लेकिन थेरेपी के लिए ऑफकोर्स ये जो है ये 20th सेंचुरी से इसका यूज स्टार्ट हुआ. देन व्हेन स्विस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैक्स लुशलर डेवलप द कलर डायग्नोस्टिक टेस्ट. जब उन्होंने ये कलर डायग्नोस्टिक टेस्ट किया उस टाइम से एक्चुअली उसका थेरेपी में यूज होना शुरू हो गया. और फिर उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग द टेस्ट द रेसिपिएंट इज आस्क्ड टू सिलेक्ट 8 कलर्ड बॉटल्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस. उनके हिसाब से मतलब आपको जो लगता है उसकी आप प्रेफरेंस लो एंड उस प्रेफरेंस से आप उसको सिलेक्ट करो. 8 है तो 1, 2, 3, 4 मैंने 8 इसको 8 रंगों को कलर दे दिया. तो सबसे पहले मैं समझो सिलेक्ट करूंगी 7 नंबर का, फिर मैं सिलेक्ट करूंगी 3rd नंबर का. तो मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से मैं चूज करूंगी. वैसे वैसे हर एक को उन्होंने बताया और उस हिसाब से उन्होंने वो टेस्ट लिया. द रिजल्ट आर सेड टू रिवील योर वरीज एंड देयर सॉल्यूशन. तो फिर उसके जो रिजल्ट थे उस कलर की जो प्रॉपर्टी है, कलर के प्रॉपर्टीज के हिसाब से फिर अपनी जो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल जो भी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है उसको उन्होंने ये किया, कंपैरिजन किया. एंड दैट्स हाउ कंपैरिजन करने के बाद फिर उन्होंने कम्युनिकेट किया कि अच्छा मतलब आपके अंदर ऐसा गुण है, आप इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, ये बात आपको बहुत ज्यादा खुश करती है. तो जो कलर्स की प्रॉपर्टी है, कलर्स के प्रॉपर्टी के हिसाब से उन्होंने उन लोगों के जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके इसमें मिक्सिंग जो मैचिंग है वो बताना शुरू कर दिया. सो दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट व्हेन ही हैज डन दिस एक्सपेरिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड द रिजल्ट आर सेड टू रिवील योर वरीज एंड देयर सॉल्यूशन. फिर उसके जो भी उनके प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशंस उससे उनको मिल गए. तो ये उसका एक बेसिक हिस्ट्री है कि जहां पे हम कलर थेरेपी का जो यूज है वो ट्रीटमेंट के लिए, रिकवरी के लिए और वरीज के सॉल्यूशंस देने के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो आते हैं इसको, कलर थेरेपी को क्रोमोथेरेपी भी कहते हैं. ठीक है, फिर ये जो क्रोमोथेरेपी है इसको ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं, जहां पे कलर्स का यूज हम ट्रीटमेंट में करते हैं. तो इट इज बेस्ड यूज्ड एज सपोर्टिव थेरेपी अलोंग विद अदर नेचुरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन. जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, डायरेक्टली हम इसको थेरेपी नहीं ले सकते. जो बाकी की प्रिवेंशन मेथड्स है, जैसे आप उनको सही डाइट लेने के लिए बोलो, उनको एडिक्वेट रेस्ट लेने के लिए बोलो, उनको रिलैक्सेशन करने के लिए बोलो, योगा एक्सरसाइज वगैरह सारी चीजें प्रॉपर करने के लिए बोलो, उसके साथ उनको ये थेरेपी दो, तो दैट विल इम्पैक्ट. अदरवाइज इफ विल से कि सिर्फ ये कलर पहन के रखो, ये कलर खाने में यूज करो, तो इट मे नॉट बी दैट मच इम्पैक्टिंग. बट या अलॉन्ग विद अदर थेरेपी इफ यू एड इट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग ऑफकोर्स इट विल गिव यू फास्टर रिजल्ट. देन इट वॉज पॉपुलर मेथड फॉर क्योर इवन इन एंशियंट टाइम. पुराने जमाने में भी इस क्रोमोथेरेपी को थेरेपीज के लिए बहुत अच्छा यूज किया जाता था, जहाँ पे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है बोलो, साइकोलॉजिकल फिजिकल प्रॉब्लम, वो सॉर्ट आउट करते थे. अब इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्रोमोथेरेपी एग्जैक्टली है क्या. तो ये ऐसी एक टेक्निक है जहां पे रिस्टोरिंग ऑफ द इम्बैलेंस बाय मींस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्ड लाइट्स टू द बॉडी. अभी जैसे हमने, अगर आपने वो डायग्राम्स कल मैंने जो भेजे थे वो देखे होंगे, तो ये जो अपना पूरा बॉडी है, डिफरेंट डिफरेंट चक्रास, मतलब जो 7 चक्रास है, ये हर चक्रा का भी एक कलर दिया हुआ है. अब ये जो कलर है पर्टिकुलर जो जहाँ पे इम्बैलेंस होता है, जैसे आपका एक कर्लियन फोटोग्राफी आता है, कर्लियन फोटोग्राफी अगर आप करते हैं तो वहां पे आपको आपका ऑरा दिखाई देगा. तो क्या होता है, इवन ऑरा में भी वैसे ही साथ मतलब अलग अलग बॉडीज होते हैं, इथरिक बॉडी होता है, एस्ट्रल बॉडी होता है, मेंटल बॉडी होता है, देन फिजिकल बॉडी आता है. तो ये जो अलग अलग बॉडीज होते हैं ऑरा के अंदर, एंड फिर ये अलग अलग अपने जो सेंटर पॉइंट्स है, एनर्जी सेंटर पॉइंट, जिसको मतलब जो अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसमें एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं. लेकिन ये अपने इंडियन और चाइनीज जो एंशियंट अपनी स्पिरिचुअल टेक्निक्स है उसके हिसाब से इसको एनर्जी सेंटर्स को चक्रास कहते हैं. फिर ये जो चक्रास है ये पूरी बॉडी को हमारे बैलेंस करते हैं. तो ये पर्टिकुलर कलर को वाइब्रेट करते हैं, मतलब जैसे मूलाधारा चक्र आपने लिया तो वो रेड कलर को वाइब्रेट करता है. तो अगर आपका समझो जो टेस्ट है उसमें आया कि मूलाधारा जो है वो ब्लॉक है, तो क्या करना पड़ेगा,
रेड कलर की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए उस मतलब उस कलर की बॉटल, उस कलर का कुछ वाटर, या फिर उसको जस्ट विजुअलाइज करने के लिए बोलना है एंड वो एक पर्टिकुलर मंत्रा बोलना है, तो उससे वो बैलेंस ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें मैं बता रही हूँ आपको, तो ये उस पर्टिकुलर एनर्जी को मतलब जो पे इम्बैलेंस हुआ है उसको रिस्टोर करने के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। एंड कलर्स के साथ फिर यूज कैसे करना है कलर्स को, उसकी टेक्निक जो है आने वाले लेसन में आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो ये हुआ क्रोमोथेरेपी का डेफिनेशन। अगर आपको कुछ इन बिटवीन यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। नए लोग जो अभी ज्वाइन हुए हैं, हमने अभी तक जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ही देखा है, तो यहाँ से हम लेसन वन का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू हैव नॉट मिस्ड मच, ठीक है। सो इन फर्स्ट लेसन वी आर हैविंग दीज टॉपिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ कलर थेरेपी, देन इफेक्ट ऑन ऑफ कलर्स ऑन अस, देन फिलोसॉफी ऑफ कलर थेरेपी एंड आर फिजिकल एंड सटल बॉडीज। सो दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लेसन नंबर वन। So this is how our session is going to continue. Of course, lesson two के जो parts से मैंने कुछ कुछ मतलब lesson one को मैंने थोड़ा सा जो lesson के अंदर का theory है वो PPT में add किया है, लेकिन lesson two को जैसे मैंने बताया आपको वो tint वगैरह जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, primary colors के बारे में बता दिया, तो बहुत सारी even history के बारे में मैंने बता दिया, तो जो सेकेंड वाला जो है वो ऑलरेडी हमने शॉर्ट शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, एंड थर्ड वाला जो है मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो लेक्चर दिया हुआ है। तो वी विल हैव वन और टू सेशंस मोर इफ यू रियली वांट, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, एंड देन वी विल डिस्कस रिमेनिंग टॉपिक्स, अदरवाइज यू आइडेंटिफाई कि ओके दिस लेसन मैडम ये जो है ये हम डिस्कस करेंगे, इसमें सचमुच हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वी विल हैव अनदर वन और टू सेशंस मोर एंड वी विल डिस्कस दैट। बट ये वाला जो है यहाँ पे हम फर्स्ट को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, सेकेंड को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे गोल है आज के सेशन के। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन नंबर वन का फर्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ कलर थेरेपी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ कलर थेरेपी में है, कलर थेरेपी इज अ सटल नॉन इन्वेजिव थेरेपी मेकिंग यूज ऑफ द हीलिंग एनर्जी कंटेंट विद इन द विजिबल रेज ऑफ कलर। अब हमने देखा विजिबल रेज ऑफ कलर कौन सा है, जो रेनबो में 7 कलर है वो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, वो है विजिबल स्पेक्ट्रम। अब ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, अब इनवेसिव का मतलब क्या होता है, जनरली अपनी जो ये मेडिसिन वाली मतलब एलोपैथी वाली जो अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम है हीलिंग की, इस ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें ह्यूमन बीइंग को एज अ पेशेंट कंसिडर करते हैं। पेशेंट कंसिडर करने के बाद उसके जो प्रॉब्लम है उसको फोकस किया जाता है एंड उस प्रॉब्लम को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। मींस फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू डॉक्टर एंड आई एम सेइंग कि ओके आई एम हैविंग फीवर, आई एम हैविंग कोल्ड कफ, सो आई हैव गिवन दीज आर ऑल काइंड ऑफ सिम्टम्स। देन व्हाट डॉक्टर विल डू, फीवर है तो फीवर कम होने के लिए मुझे डायरेक्टली दवाई दे देगा, है ना, कोल्ड कफ के लिए दवाई दे देगा। मतलब जो सिम्टम्स बाहर आ रहे हैं, मतलब बॉडी जो कुछ बताना चाह रही है, कम्युनिकेट करना चाह रही है, उसको हम जो सप्रेस करते हैं, है ना। ये हो गई आपकी मेथड जहां पे हम डिसीज को एक्चुअली अटैक करते हैं एंड उसको सप्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी अल्टरनेट थेरेपीज है, अल्टरनेट थेरेपीज में हम डिसीज को अटैक नहीं करते, हम पेशेंट को पहले पेशेंट नहीं कंसिडर करते, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग कंसिडर करते हैं, जहां पे उस ह्यूमन बीइंग को एज अ होलिस्टिक पर्सन। तो होलिस्टिक पर्सन में क्या क्या है, ऑफ कोर्स एक उसका स्पिरिचुअल बॉडी है, एक उसका मेंटल बॉडी है, एंड देन आता है उसका फिजिकल बॉडी। मतलब ये जो है ये पूरा जो पर्सन है, ये पर्सन कॉम्बिनेशन है उसके, ये तीनों बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो हम जब एक किसी भी जैसे कलर थेरेपी जो है ये एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे फ्लावर रेमेडीज अगर है, उसके बाद आपकी क्रिस्टल थेरेपी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, ऐसे बहुत सारे थेरेपीज, ऑरा चक्रा है, उसका भी क्लींजिंग आता है, तो ये सारे जो थेरेपीज है ना ये एक्चुअली अटैकिंग में नहीं जाते, इसलिए इन सारे थेरेपीज को हम इन्वेजिव कहते हैं, जहां पे हम कोई भी कट नहीं करने वाले, कोई भी एक्सटर्नल मेडिसिन पील्स नहीं देने वाले हैं, लेकिन हम फिर भी कुछ ना देते हुए, बॉडी में कुछ अंदर इंसर्ट ना करते हुए भी हम उसको वेलबींग में ला सकते हैं। दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ ऑल द अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम, ऑल द हीलिंग सिस्टम।
And that is how this particular therapy is called as invasive therapy, wherein we are not attacking any kind of symptoms, but actually we are understanding it and we are actually trying to just match the frequency, and with that matching, we are just removing that imbalance and making that person into that particular balance which actually that body require, and that's how we are treating that disease. So we are considering the person as a whole being and not as just a person with flesh, then means body, blood and all this kind of thing. We are not considering them. We are considering them as a full person. So ये है principle, first principle कि यहाँ पे हमें person को as a patient नहीं, उसको as a whole personality करके treat करना है. अपने पास देखो ये जो zoom का मेरा version है ये free वाला है, तो अपने पास 10 minute है. इनकेस अगर ये मीटिंग क्लोज हो जाती है तो आपको सेम लिंक से आपको फिर से रीजॉइन करना है, तो हमें भी एक थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा एक दो मिनट का, एंड देन वी विल अगेन रीस्टार्ट. ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. सेम प्रिंसिपल्स ही है कलर थेरेपी के प्रिंसिपल. सो कलर थेरेपिस्ट इंट्रोड्यूस द ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कलर एनर्जीज द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रमोट हार्मनी and balance between the body, mind and spirit. This I have already told you. Then only when this balance occur are we able to work toward the toward a state of perfect health. ठीक है, ये सारी चीजें मैंने already आपको बता दी है, तो आगे चलते हैं. Okay, now color therapy encourages us to take personal responsibility. हाँ, ये बहुत important है. जब बात आती है कि समझो हमें कुछ हो जाता है एंड देन हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम अपने आप को सौंप देते हैं डॉक्टर के पास कि नहीं तुम देखो, तुम मुझे दवाई दो और तुम मुझे ठीक करो. मीन्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, आई हैव डन वॉट एवर बैड थिंग आई हैव डन. मीन्स जैसे मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, मैंने गलत खाना खाया, या फिर मैंने अपने आप की बहुत अच्छे से केयर नहीं की, मैंने रेस्ट नहीं लिया, उसकी वजह से मेरी बॉडी मुझे कुछ तो दिखा रही है, लेकिन मैंने बुरा किया मेरी बॉडी के साथ, एंड नाउ आई एम सेइंग टू समवन एल्स कि अब तुम देखो और तुम मुझे दवाई दे दो. ये गलत है. यहाँ पे जैसे कोई भी आपकी होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो होती है उसमें हम पूरी तरह से दूसरों पे निर्भर नहीं होते, लेकिन हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार होते हैं, एंड दैट्स हाउ वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई एम कंप्लीट होल पर्सन, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग विद इन मी, विद इन माई बॉडी. And that's how you have to take the responsibility, and you have to work on whichever points, whichever those things which are creating the those kind of imbalance, we have to correct it by taking proper responsibility of it. Okay, then color therapists can use colors to balance energy and creativity and learning, release blocks and elevate physical, emotional and mental conditions. Then color therapy helps people understand their needs for certain colors and show them how to use these colors for healing, health, relaxation, inspiration and protection. So, फिर color therapies का काम कहाँ पे आता है? Color therapies पहले तो अभी blockages, जैसे आपको पता चल जाता है कि कौन से person को किस type के blockages है. अभी जैसे जो भी आपके होलिस्टिक थेरेपीज होते हैं ना, उसमें एक केस लेने का पहला प्रोसीजर होता है जहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स देते हैं, कुछ क्वेश्चनर देते हैं, वो क्वेश्चनर आप पेशेंट्स को पूछते हो, एंड उस क्वेश्चनर के बेसिस पे आपको उसके आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है. जो फ्लावर का, फ्लावर रेमेडीज का है ना, उसमें भी वही किया जाता है कि कहाँ पे साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस दिखते हैं. अब क्या होता है कि जैसे कोई भी एंग्जाइटी अटैक्स वगैरह आते हैं, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोग को, हमारे पास 6 मिनट है, शायद वो एग्जांपल हो जाएगा. नाउ फॉर एग्जांपल, अपने इमोशनल ब्लॉक कैसे बनते हैं वो मैं बताती हूँ. समझो एक पर्सन है, उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी कोई तो घटना हुई जिसकी वजह से उसने बहुत बड़ा लॉस हो गया, मतलब किसी का लाइफ लॉस हो गया. समझो किसी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, या फिर कोई लेडी है उसने अपने हस्बैंड को खो दिया, मतलब बहुत बड़ा लॉस है ना, ये एक बहुत बड़ा उसके लाइफ का मतलब मेमोरेबल इवेंट है जहाँ पे वो इतने आसानी से उससे बाहर नहीं निकल सकती. अब ये मोमेंट पे वो जब वहां पे सैड बैठी है, फॉर एग्जाम्पल हर कोई आता है और उसको यहाँ पे टच करके एक दिलासा, एक सिंपति देने की कोशिश करता है ना, तो मतलब वो एक पर्टिकुलर मेंटल स्टेट में है जहां पे वो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा डाउन फील कर रही है.
उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे कोई आता है एंड उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. अब ये क्या हो गया, इसको मतलब ये जो मैं एग्जांपल बता रही हूँ किस टाइप से ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं, बराबर आपको कनेक्शन याद रखना है. हाँ, अब ये वाकया हो गया, ठीक है. यहाँ पे अभी कुछ मेमोरीज हैं जो बिल्कुल अनफॉरगेटेबल मेमोरीज है, मतलब मैं कभी नहीं भूल सकते, ऐसे वो पर्टिकुलर मेमोरीज थे मेरे लाइफ के. लेकिन मैं अभी उससे समझो बाहर आ गई, जो जो भी पर्सन है समझो वो बाहर आ गया है उससे. अब समझो ऑफिस में एक छोटी सी बात होती है, बहुत छोटी सी बात, समझो बॉस ने कुछ कह दिया या फिर कलीग ने कुछ कह दिया, एंड फिर कलीग ने कुछ कह दिया, उसके बाद समझो वो लेडी बैठी है और कोई आपका आता है और यहाँ पे हाथ रखता है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड अचानक से वो पर्सन जो है वो रिएक्ट हो जाता है, वो जोर जोर से रोने लगता है. एक्चुअली वो रोने की बात भी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, वो रोने लग जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगता है, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आता है या फिर पेन बाहर निकलता है. नाउ दिस हैज नॉट हैपेंड बिकॉज दैट पर्सन हैज सेड समथिंग टू हिम और हर, बट व्हाट हैज हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टच, that particular block which was there somewhere inside that was hidden, but just because of that particular touch all the memories have got just triggered like anything. She is not understanding or he is not understanding why he is reacting so much, but what has happened, jaise bolte hai na usko trigger ho gaya, to wo wala jo folder jisme bahut zyada pain hai, bahut zyada dukh bhara hai, actually wo folder open ho gaya. क्योंकि वो फोल्डर ओपन हो गया है तो उसकी वजह से वो पर्सन रिएक्ट कर रहा है, वो पर्सन उसलिए नहीं रिएक्ट कर रहा है, एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है. तो कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा मतलब उसको एंग्जाइटी अटैक जो हम कहते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है अचानक से, तो वो गुस्सा एक पर्टिकुलर उसी चीज के लिए नहीं आता है, उसके पीछे कुछ तो एक मेंटल ब्लॉक होता है या फिर एनर्जी ब्लॉक होता है जो सालों से है. Even most, मतलब more than 60-80% जो होता है ना childhood से आता है, पता भी नहीं चलता है कि वो वहां पे block है, लेकिन वो blockages होते हैं और वो trigger out हो जाते हैं किसी एक particular वाक्य से, वो इतना इस तरह से trigger out हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम उसकी वजह, हम ये इसके लिए नहीं बल्कि हम उस परेशानी के लिए जूझ रहे हैं और उसकी वजह से हम react कर रहे हैं. तो हो जाता है ना कभी कभी ऐसी गलतियां हम कर देते हैं, लेकिन हम खुद ही पता नहीं होता है कि हम ऐसा react क्यों कर रहे हैं. ये सारी चीजें जो है सबकॉन्शियसली वो अंदर फीड हो जाती है, और वो फीड इस तरह से होती है कि बिल्कुल मतलब इंसान को भी पता नहीं चलता, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड को पता है आपके. इवन हो सकता है बहुत बार तो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो रिकार्नेशन, मतलब आपके पास्ट लाइफ से आते हैं, और वो पास्ट लाइफ का ऐसा इवेंट जो हम कभी नहीं भूल पाते हैं वो इस तरह से अपनी लाइफ से जुड़ा होता है कि इस लाइफ में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. नॉट ओनली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बट बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है. तो ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं लिंक है, लेकिन एक्चुअली वो एलिवेट कहाँ से हो रहा है, डिसीज में किस तरह से आ रहे हैं, एक्चुअली हमें उसके पीछे का जो साइंस है वो बहुत ज्यादा पता नहीं होता है, इसलिए बस हम बहते जाते हैं. तो बेसिकली जो थेरेपिस्ट है उनको क्या काम करना है कि कहाँ कहाँ पे ब्लॉक लग रहा है, फिर उस ब्लॉक को रिमूव करने की पर्टिकुलर प्रोसीजर है. इवन हम एनएलपी से उसको ट्रीट कर सकते हैं, हम सीबीटी से ट्रीट कर सकते हैं, हम सिंपल मेडिटेशन टेक्निक से भी ब्लॉकेजेस जो है उसको रिमूव कर सकते हैं. एक बार आपके जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी है वो बैलेंस में आने शुरू हो जाती है. मतलब अगर किसी के पास अगर पर्टिकुलरली ऑरा रीड करना आता है तो ऑरा में फ्रैक्चर्स होते हैं या फिर पेल कलर्स दिखते हैं, मतलब जिनका थोड़ा जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उनका ऑरा जो है वो मेला होता है. और जो स्पिरिचुअल पर्सन है जो बहुत ज्यादा विजडम वाली बातें करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, कंपैशनेट है, मेडिटेट करते हैं, उन लोगों का जो ऑरा है वो क्लींजिंग, मतलब वो लाइटर एंड ब्राइटर कलर की तरफ जाएगा. एंड जो बहुत ज्यादा निगेटिव वाले लोग हैं उनके भी ऑरा जो है वो थोड़े मैले कलर में जाएंगे, और जो डिसीज पार्ट हो जाता है तो वहां पे फ्रैक्चर आ जाते हैं, वहां पे बीच में ऑरा कट हो जाता है, एक्चुअली पूरा ऐसे ओवल शेप होता है तो वो कट हो जाता है. अभी लास्ट एक मिनट है तो इसी स्लाइड पे हम रहेंगे, एंड अभी मैं मतलब बता ही देती हूँ आपको, क्योंकि लास्ट एक मिनट है तो कभी भी बंद हो सकता है, तो हम फिर से एक मिनट के बाद रीज्वाइन करना है आपको इस मीटिंग को. यहाँ तक सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, प्लीज आपके ब्यूटीफुल चेहरे मुझे दिखा दो एक बार, मैं अकेली ही बोली जा रही हूँ. ऑल इज वेल जी मैम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? ओके जी.
तो फिर हम ज्वाइन करेंगे फिर से इसी सेम लिंक के साथ. अभी मैं यहाँ पे यहाँ क्लोज कर रही हूँ इस लिंक को, ठीक है जी. चलो देन शुड आई एंड जी मैम.